महंत बलवीरदास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनारायण भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितनी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस हो, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपावा नहीं है। आपने दो दिन पहले, तीन दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम सा ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम राम सत्य भी करने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है।
आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक तंत्र दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए। ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है, और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो ये कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे, और आज कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय हो पाते थे, न नियति साफ थी। विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं।